numbers. Good afternoon guys, two brilliant sessions on numbers. और उसके बाद वापस चार्ज पे आना. So actually एक टास्क है लेकिन ओके. पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से. ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री. और कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड. अगर मैं बोलूं कि एक और चीज होती है, मतलब आप इसको ट्रेंड लो या मार्केट फेस लो, देयर इज अनदर थिंग, इट इज कॉल्ड ब्रॉडनिंग. ब्रॉडनिंग इज व्हाट? अप ट्रेंड तो व्हेन इट इज गोइंग अप, डाउन ट्रेंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन, साइडवेज जब कुछ नहीं हो रहा है. ब्रॉडनिंग इज व्हेन आपका अपर ब्रेकआउट हो रहा है एंड देन लोअर ब्रेकआउट भी हो रहा है एंड देन अगेन अपर ब्रेकआउट हो रहा है. ये फेज होता है जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज है ट्रेंड फॉलोअर्स, प्राइस फॉलोअर्स, टिपिकली सिस्टम फॉलोअर्स की. एंड निफ्टी अभी नॉर्मली मतलब टाइम फ्रेम के ऊपर है, बट नॉर्मली निफ्टी कौन से ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड. चलो अभी सब्जेक्ट लाइन ब्रेक चार्ट. कितने लोगों को पता है लाइन ब्रेक चार्ट क्या होता है या कभी सुना है या ओके? तो हम लोग है ना एकदम मैं एकदम बेसिक से आपको समझाता हूँ कि सी पहले तो पर्पस है ये सेशन का कि आपको एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, राइट? यू विल कम अक्रॉस समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट. मैं जो ज्यादातर काम करता हूँ वो नॉइजलेस चार्ट्स पे करता हूँ. हम सब लोग चार्ट्स देखते हैं, बट आई थिंक नॉइजलेस चार्ट कैटेगरी बेसिकली क्या है कि जो यूजुअल चार्ट्स है, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो एवरीडे आपका बार कैंडल एक्सेट्रा फॉर्म हो, राइट? मतलब आप टाइम के साथ वो चार्ट चलेगी. नॉइजलेस चार्ट इज समथिंग जो टाइम के साथ नहीं चलेगा. इट इज नॉट कंपलसरी कि यू विल प्लॉट प्राइस एवरी डे, यू विल प्लॉट इट ओनली व्हेन सर्टेन क्राइटेरिया इज मेट, राइट? लाइन ब्रेक चार्टिंग सिस्टम का बेसिकली ओरिजिन जापान से है. थ्री लाइन ब्रेक चार्ट करके ये काफी पॉपुलर है. ये है क्लोजिंग प्राइसेस, राइट? एवरी सपोज एवरी डे के. एंड व्हेन वी कनेक्ट दिस इट बिकम्स लाइन चार्ट, राइट? सो हम लोग ग्रीन इज व्हेन इट इज गोइंग अप, रेड व्हेन इट इज कमिंग डाउन. दिस इज द वे वी लुक एट द लाइन चार्ट. नाउ इमेजिन अगर मैं इस तरह से करूं कि आई कनेक्ट टू प्राइसेस, ये प्राइस और ये प्राइस को मैं जोड़ के एक बॉक्स बना दूं, राइट? एंड अगेन ये प्राइस को जोड़ के मैं जॉब बॉक्स बनाऊ. सो आई क्रिएट बॉक्सेस बाय कनेक्टिंग टू प्राइसेस. सिंपल. तो इस तरह से मैंने सारे क्लोजिंग प्राइसेस को इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम और लाइन चार्ट की जगह मैंने इस तरह का एक चार्ट बना दिया जो बॉक्सेस है. समझ में आ रहा है ये क्या बना है, राइट? ग्रीन बॉक्सेस व्हेन जब प्राइस ऊपर बंद हो, रेड बॉक्सेस जब वो नीचे बंद हो, राइट? सिंपल. अब ये अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, सी ये जो जगह है यहां पे बेसिकली एक्चुअली ये इसको ओवरलैप कर रहा है, सेम में ये इसको कर रहा है, तो मुझे एक्चुअली ये प्लॉटिंग का जरूरत ही नहीं, ठीक है? सेम वे इफ यू लुक एट हियर, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ये इधर प्राइस ने कुछ किया ही नहीं, राइट? सो वो जो मतलब जहां पे कुछ किया ही नहीं है वो तो नॉइज है. सो देन अगर हम उसको रिमूव कर दे तो है ना वो जो प्राइसेस है दैट वी कैन रिमूव एंड इफ वी रिमूव देन तो इस तरह का चार्ट दिखेगा. This is called one line break chart. हमने क्या किया है, दो क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट किया है, right? और उसमें से नॉइज जो है वो हटा. नॉइज मतलब क्या? जिस प्राइस पे कुछ हुआ ही नहीं. सिंपल. सो दिस इज द लाइन ब्रेक चार्ट. अब ये है ना ये वन लाइन ब्रेक चार्ट क्यों है? बिकॉज जब वो ऊपर जा रहा था तो वो जब वो एक प्राइस नीचे आया तो हमने रेड लाइन, अच्छा इसको है ना इसको लाइन बोलते हैं,
एक्चुअली जो बॉक्स है इसके नाम अलग अलग हुए, पहले इसको बॉक्स चार्ज बोलते थे, बॉक्स रिवर्सल चार्ज, इस अलग अलग नाम्स है, बट बेसिकली दिस इज नोन एज लाइन, तो इसलिए इसका नाम है लाइन ब्रेक चार्ज, राइट। तो व्हेन आई कॉल अ रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ लाइन, तो अब ये जो लाइन रिवर्सल है ये एक ही लाइन नीचे हुआ है, आप बहुत लोग इसको देख के कैंडल ही बोलते हैं तो दैट्स फाइन, बट ये एक कैंडल नीचे है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वन लाइन रिवर्सल चार्ज। अगर मैं अब इसका क्राइटेरिया ऐसा कर दूं कि आई विल मार्क अ रिवर्सल ओनली व्हेन प्राइस विल गो बिलो प्रीवियस थ्री लाइंस 1, 2, and 3, राइट। सो आई एम प्लॉटिंग ग्रीन लाइंस, आई विल मार्क रेड लाइन ओनली व्हेन प्राइस विल गो बिलो प्रीवियस थ्री लाइंस, तो 1, 2, and 3 के नीचे आई स्टार्ट प्लॉटिंग रेड, सो आई विल नॉट प्लॉट दिस, राइट। फिर ये ग्रीन आएगा, उसके बाद 1, 2, and 3, ये 3 के नीचे आएगा, स्टार्ट प्लॉटिंग रेड। सो वो 3 लाइंस का मैंने क्राइटेरिया ले लिया, तो दैट उसको बोलते हैं 3 लाइन ब्रेक चार्ट, आया समझ में। सो द रिवर्सल आई कैन, वो जो क्राइटेरिया आई कैन मॉडिफाई, 1, 2, 3, लॉजिक रिमेन सेम, क्लियर। सो दिस इज अ बॉक्स लाइन, इसको बोलो विल कॉल इट, तो बॉक्स रिवर्सल चार्ज, लाइन रिवर्सल चार्ज, थ्री बॉक्स, बट बेसिकली वी कॉल इट लाइन ब्रेक चार्ज। व्हाई नॉट थ्री लाइन ब्रेक चार्ज, बिकॉज़ सिर्फ थ्री नहीं, वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज, विल डिस्कस दिस। नाउ कमिंग टू ये इस तरह का ये चार्ट आपको टिपिकली दिखेगा व्हेन ट्रेंड इज अप, दिस इज द सीरीज ऑफ ग्रीन लाइंस व्हेन प्राइस इज गोइंग अप, this is series of red lines when price is coming down, so construction mein you want, jab bhi aapko line break chart plot karna hai, you only want to put a reversal criteria, jaise agar hum typically pehle abhi start karenge three line break chart se, so three is your reversal criteria, right, so we will plot three line break charts, and why I wrote plotted with actual prices, normally noiseless category mein there are three other charts, point and figure, Renko and Kagi charts, agar kisi ko nahi zyada usme pata hai to just usme jo criteria hota hai uske hisab se you plot box values, you plot brick values, but in case of line break chart aap actual price plot karte ho, if you are putting a plotting a line break daily chart you are plotting actual prices, right, that's the major difference. So just for example, this is a Tata Steel का chart, daily line chart, daily line chart which is connected by closing prices, and this is the same line chart which is converted into three line break chart. समझ में आ रहा है किस तरह से plot किया होगा, right? When price is going up, you are plotting green lines. अगर वो three, ये 1, 2, and 3 के नीचे आ गया price, इसलिए भी plotted red line, right? Then ये 1, 2, and 3 के ऊपर चला गया इसलिए भी plotted green line, right? Same way ऊपर भी, तो simple way of identifying trend, isn't it? मतलब ये criteria है, पहले तीन closing price के नीचे चला गया तो I'll start drawing red lines, simple. निफ्टी के बगैर कैसे खत्म होगा सर? Series of lines display trend, right? Okay, now something which is very important to understand. Achha, this is just to observe three line break chart of say Sun Pharma. This is downtrend March से लेके December तक. This is the ये है आपके observation के लिए. First, now we need to have a feel of this kind of a chart. This is Bharat Forge. Which is in ये पहला सीरीज ऑफ अपट्रेंड एंड देन डाउन ट्रेंड थ्री लाइन ब्रेक चार्ट, एडवांटेजेस डिस्प्ले क्लियर ट्रेंड्स, देयर इज ऑब्जेक्टिविटी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन डिफाइन योर लाइन, यू कैन डिफाइन योर ट्रेंड, उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं होता है, एंड देन वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज यू कैन create setups with combination of lines, right? जो मैं आपको थोड़ा सा
ट्राई टू एक्सप्लेन यू. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. थ्री लाइन ब्रेक पैटर्न्स में प्राइस जब 1, 2 और 3 के नीचे चला जाता है देन वी प्लॉट रिवर्सल, राइट. सो देयर आर 4 लाइंस इन्वॉल्वड इन अ रिवर्सल पैटर्न, है ना. हर एक रिवर्सल में 4 लाइन होगा. इट इज 4, इट इज 4 ओनली, है ना. मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा बिकॉज वो रिवर्स होगा जब वो 3 लाइन के नीचे जाएगा. या सेम वे वही बुलिश पैटर्न 4 लाइन होगा. ये सोच है ना, ये एक और एक चीज क्या इंटरेस्टिंग होती है इसके साथ कि इफ दिस इज द केस देन प्रोबेबली आई कैन डिफाइन एवरी काइंड ऑफ रिवर्सल, राइट. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि रिवर्सल विल हैपन ओनली आफ्टर 3. इफ दिस इज द बेरिश पैटर्न, रिवर्सल विल नॉट हैपन ओनली आफ्टर 3 बुलिश लाइंस. देयर कैन बी अ रेड लाइन इन बिटवीन, राइट. अंडरस्टैंड समथिंग? So first important thing is you need 4 lines for a reversal to mark, right. So इसके बाद हमने define किया reversal है. Now you need to pay attention because मैं आपसे एक exercise भी कर रहा हूँ. Sir, आप please pass on this. तो आपको ये mark तो करने हैं इस system में. अब this is there are 4 reversal thing patterns that we are going to discuss. पहला तो विच इज वेरी सिंपल, हमने इसको नाम दे दिया ट्रेंड रिवर्सल. व्हाट इज ट्रेंड रिवर्सल? 3 रेड लाइन के बाद एक बुलिश लाइन आया, राइट. 3 बुलिश लाइन के बाद एक बेरिश लाइन आया, सिंपल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न. इसमें कोई डाउट का पॉसिबिलिटी है, राइट. एंड प्लीज पेपर हाथ में आने के बाद इमीडिएटली मार्क मत कीजिए, जब मैं बोलूं तभी करेंगे, राइट. सर इससे पहले 3 है ना, तभी ब्लू बना है. ये तो दिखाने के लिए आपको सिर्फ 4 लाइन,
वाई चार लाइन आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज लास्ट चार लाइन ही वो कंसिडर करेगा। सी ये जो रेड है ये पहले तीन को कंसिडर करेगा, तो इसके नीचे गया तो ये रेड आ गया, राइट। ये ब्लू डेफिनेटली इसके पहले का रेड लाइन है तभी तो ये ब्लू आ गया, राइट, दैट्स फाइन। बट ये चार इस तरह से, मतलब इफ योर प्रीवियस लाइन इज बुलिश तो ये वेरी शेक आउट हो गया। अरे समझ गए, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आप अपना टर्म नाम भी उसको दे सकते हो, डजंट मैटर, राइट। जस्ट एक लाइन पहले अगर दूसरा कलर दिख गया मतलब देयर इज अ डिफरेंट टाइप। बट ये हाई प्राइस नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस है। इट इज ये वही चीज है, ठीक है। अच्छा मैं आपको उसके ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, तीन कंसेक्यूटिव होना चाहिए तो ट्रेंड रिवर्सल है, उसको आइडेंटिफाई उस तरह से किया है, राइट। अगर उसमें कोई दूसरा लाइन है तो देन नेम इज डिफरेंट, राइट, वो शेकआउट हो जाएगा। ये तीन दिन नेसेसरी नहीं है, बिकॉज हो सकता है बीच में आपके नॉइज वाले डेज हो तो वो प्लॉट नहीं होंगे लाइन ब्रेक, राइट। फाइन, पैटर्न ठीक है ये, या सॉरी एनी टाइम ब्रेक, एनी टाइम। बाय डिफॉल्ट 3 होता है उसमें, बाय डिफॉल्ट 3 आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट इट विल रिमेन 3। सो इफ दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, तो सी यहां पे भी ये बुलिश लाइन आया है लेकिन देयर वाज वन रेड इन बिटवीन, सो दिस इज नोन एज अ बुलिश शेकअप, राइट। Same way, this is bearish shakeout. This is a red pattern, but there is blue in between. है ना? Now, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आप इसके पीछे का logic भी समझने का कोशिश कीजिए। This is a trend reversal pattern, right? जहाँ पे तीन bullish line हैं और वो turn हो गई। यहाँ पे it's a series of red line, one bullish एक आया है, मतलब probably your shorts are out, and then again trend continues. तो यहाँ पे इसलिए नहीं है भी शेक आउट, या मे बी आई मीन आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो इन अ डाउन ट्रेंड दिस इज अ वेरी नाइस पैटर्न, राइट। देयर वाज वन लाइन बिटवीन एंड देन अ ब्रेक आउट, आई समझ में। सो दिस इज अ शेक आउट। राउंडिंग बॉटम क्यों? दो लाइंस है बिफोर अ बुलिश थिंग, तो बुलिश लाइन देन टू बेरिश लाइंस एंड अ बुलिश लाइन। व्हाई राउंडिंग बॉटम? बिकॉज इसको आप अगर आपके डेली कैंडल स्टिक वगैरह चार्ट में देखोगे ना तो दिस इज टिपिकली अ राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, सो इसलिए द नेम इज गिवन राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप। And same way, if there are two bullish lines before a breakout, it is called as a rounding top. Simple है? Doubt किसी को इसपे? तीन pattern discuss किया अभी तक, trend reversal, shakeout and rounding top and bottom. Identify कर सकते हो? Easy. This is applicable in all time frames, daily, weekly, monthly, intraday, 1 minute, 10 minute, 15 minute, whatever chart you are looking, right? So this is अच्छा, ये there's a bullish line, then two bearish line and a bullish line. So this is called as a rounding bottom. ये rounding bottom नहीं है because three lines है, हमने इसको objective कर दिया, right? चलो
तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया, थ्री लाइन है, दिस इज नॉट द राउंडिंग बॉटम, ब्लू टू रेड्स एंड देन ब्लू राउंडिंग बॉटम, राइट, सेम वे राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम, दिस इज ऑल्सो राउंडिंग बॉटम, दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल, सिंपल आइडेंटिफाई करना, ओके, एंड नाउ लास्ट पैटर्न, ओके, बिकॉज़ दैट दिस इज राउंडिंग टॉप, जिंदाल स्टील, राउंडिंग टॉप्स, ओके, अब ये चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल थिंग्स. ये राउंडिंग टॉप है बिकॉज ट्रेंड रिवर्सल इसलिए नहीं बिकॉज देयर वर टू ब्लू लाइंस, रेड टू ब्लू एंड देन रेड, ए राउंडिंग टॉप, दिस इज ट्रेंड रिवर्सल, दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल, दिस इज राउंडिंग टॉप, दिस इज ट्रेंड रिवर्सल, अगेन दिस आर द सिंपल ट्रेंड रिवर्सल, दिस इज शेकआउट, व्हाय देयर इज वन ब्लू लाइन इन बिटवीन, राइट, देन अगेन दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल, this is rounding top, two blue in between, this is shake out, this is shake out, simple, you could identify every kind of a reverse, last, ये जो होता है जो typically trend followers के लिए difficult time होता है, red, then blue, then red, then blue. मतलब ये है ये थ्री लाइंस के नीचे है, ये है ये थ्री लाइंस के ऊपर है, राइट, दिस इज कॉल्ड एक्सपांडिंग, दिस इज बुलिश बिकॉज लास्ट लाइन इज बुलिश, ब्लू रेड ब्लू रेड, दिस इज एक्सपांडिंग, सिंपल आइडेंटिफाई करना, दिस इज द एक्सपांडिंग फॉर्मेशन, there were red blue red and blue, right, this is Hindustan Lever, then NTPC blue red expansion, right, agar if this is the case, ab aapne char pattern dekhe, right, reversal ke, when you plot a three line break reverse three line break chart of any instrument or any time frame, हर एक रिवर्सल इसी चार कैटेगरी में से एक पे आएगा फॉर श्योर, है ना, इधर इट विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल और अ राउंडिंग पैटर्न और अ शेकआउट और एन एक्सपांडिंग, बराबर, इसका मतलब है मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के सारे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं एंड आई कैन डिफरेंशिएट अमंग ऑल ऑफ देम, राइट, दिस इज द निफ्टी फ्रॉम 1st Jan 2005 to 31st December 2005. This is the chart that shows घर रिवर्सल में bullish reversal कौन से कितने हैं and this is the chart that shows bearish reversal कौन से कितने हैं. 59% are trend reversal, 77% are trend reversal, 25% जहां पे rounding है, 15 जहां पे शेकआउट है एंड 13 जहां पे एक्सपांडिंग है, मतलब लास्ट 10 साल के सारे पैटर्न्स को वी कुड आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट के कौन सा क्या है, तो इस टाइप का पैटर्न कुछ तो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट देता है, इस टाइप का क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द मेजर रिवर्सल पैटर्न एंड व्हाट इज वेरी रेयर, तो कांट वी गो एंड सी एक्सपांडिंग के बाद का बिहेवियर क्या है, इसके बाद का इंटरेस्टिंग है कुछ, है ना, आओ है आओ, ओके, अब आपको थोड़ा सा पहले तो अगर ये चार्ट देखते हो तो ये बहुत सिंपल है, थोड़े टाइम कुछ चार्ट देखोगे फिर ये इमीडिएटली हर पैटर्न आपको पसंद आ जाए, दिस इज द राउंडिंग बॉटम, this is the bullish bearish shakeout, this is bullish shakeout, this is rounding bottom not trend reversal, right, this is rounding bottom, this is expanding,
ब्लू रेड दिस इज वेरी शेक आउट रेड रेड ब्लू रेड बुलिश शेक आउट देयर इज रेड इन बिटवीन ये चार है आपके पास आपको ये चारों पैटर्न मार्क करने हैं दीज आर दी फोर पैटर्न प्लीज डू इट ऑन योर ओन बहुत सिंपल है यहाँ सामने रेफरेंस के लिए रखे अगर आपका ठीक से हो गया तो बाजू वाले का ठीक आप बाजू में बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं सबका नहीं देख सकता लोग हैं टाइम
मैंने मेजर प्रॉब्लम किए बट हम लोग एवरी वी विल डिस्कस। अच्छा मैं ये रेड का ब्लू का रेड वो है व्हिच पैटर्न इज दिस मेरिस्टेम का सर ये शेक आउट बड़ा मतलब आफ्टर ट्रायंगल रिवर्सल दैट इज शेक आउट राइट दिस ट्रायंगल रिवर्स एंड दिस मतलब जहां पे भी कलर चेंज होता है देयर इज अ पैटर्न या टीआर दिस टीआर यहां पे अगर किसी ने प्लॉट किया तो हमें अच्छा दिस इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल राइट दिस शेक आउट से पहले ट्रेंड रिवर्सल राइट एंड देन शेक आउट every time when color is changed there is a pattern right this is acha uski pehle red clear and then rounding top this is clear this is clear this is clear this is no when it gets good thing is it agar yes hai yes hai ya no hai in between kuch bhi nahi There is no subjectivity. It is shake up. Here, this is TR, and then this TR. Here, ये चार में आपका पूरा चार्ट आ जाएगा, और थोड़ा सा और देखोगे तो कोई भी चार्ट में किसी भी पैटर्न को जब भी वो फॉर्म होता है, you have a clear pattern. हाँ, अभी मैं थोड़ा सा वो पैटर्न की इस पे बात करता हूँ Hey,
won't spend much time on the projection thing because it's simple. Now एक तो ये है कि आपने एक चार को सब जगह identify कर लिया. Now you can इसमें कोई भी चीज है ये basically you have removed nouns and you have identified this thing. Now you all other things can you know आप इसको complement कर सकते हो. For example this is a channeling technique. If I am seeing कि मुझे यहाँ से ऊपर लग रहा है, I just need a bullish line here. यहाँ पे I need a pattern, right? अगर मुझे यहाँ पे अभी लग रहा है कि this is channel का support, what I need is pattern. So what happens is मेरे assumption को pattern का confirmation मिलता है और price का confirmation is there. कि okay, I want to go up. सेम वे जो रिट्रेसमेंट वगैरह प्लेस करते हैं, व्हाट हैपेंस इज 38 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 वाले, उसके बाद 78 है, फिर 88 भी है. सो एवरी टाइम आई कैन नॉट कीप बाइंग, आई जस्ट नीड अ प्राइस कंफर्मेशन. मुझे 38 पे नहीं मिला, आई गेट इट एट 50. पिचफॉक किसी को पता है? सो दिस इज द सेम थिंग, यू कैन हैव अ पैटर्न जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है. हार्मोनिक आई थिंक वी हैव सेशन आफ्टर दिस, राइट? सो द ओनली थिंग इज आपका बीच में बहुत सारा खिचड़ी कम हुआ है, यू कैन प्लॉट द क्लियर दिस थिंग. आपको क्लियर स्विंग टॉप्स एंड बॉटम्स मिलते हैं. हार्मोनिक यू विल अंडरस्टैंड जब वो सेशन होगा, राइट? इसके बाद का एक चीज विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्विंग हाई, दिस इज अ स्विंग लो. एक्चुअली अगर कोई स्विंग चार्ट फॉलोअर है या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है स्विंग टॉप बॉटम्स का. दिस इज अ क्लियर थिंग, ब्लू टर्निंग टू रेड इज अ मार्क स्विंग हाई, रेड टर्निंग टू ग्रीन मार्क्स स्विंग लो, राइट? सो इफ दिस इज द चार्ट, थोड़ा नाउ दिस इज माय स्विंग हाई, this is swing high, this is another swing high, this is swing low, this is swing high, high and now agar low bana. Simple. Acha, humne abhi baat kiya closing prices ke sath. We can plot such charts with high and low prices also. Isme ek technique kya hai ki when my bullish line is there, jo high price pe hai, उसके बाद नया हाई लगा तो आई विल प्लॉट बुलिश लाइन. उसके बाद जब तक नया हाई लग रहा है आई विल कीप प्लॉटिंग बुलिश लाइन, और जैसे ही नया हाई नहीं लगा देन आई विल चेक अगर मेरा लो प्राइस है वो रिवर्सल क्राइटेरिया मीट करता है. अगर ये हो रहा है तो आई स्टार्ट प्लॉटिंग बेरिश. आई समझे? तो इस तरह से यू कैन ऑल्सो प्लॉट हाई लो चार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज चार्ट. सो दिस इज निफ्टी का हाई लो चार्ट ऑफ डेली प्राइसेस. Like this is the swing high, this is the low that you have seen. जो आपको पता है जो low और high लगे. What I want to show you is कितना noise free एक चीज हो सकता है. It's a simple and clear chart, right? When this is a series of red lines, there is nothing. मतलब उसमें बीच में कुछ भी नहीं. This is your shake out. Yeah. High low chart और close chart में सर ज़्यादा अच्छा performance कौन दे? High low दे रहा है या close वाला? बात करता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने ट्रेडिंग का बात ही नहीं किया. तो ठीक है, दिस इज द हाई लो चार्ट विच इज ऑल्सो पॉसिबल टू. अब मैं बता रहा हूँ लाइन ब्रेक चार्ट का एक प्रॉब्लम, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों. लेंथ ऑफ लाइन, नाउ जब मैं लेंथ ऑफ लाइन बोलता हूँ वेर इज दी थिंग, कभी कभी इतना बड़ा लाइन आता है, राइट? तो अब मान लो ये मेरा अप ट्रेंड हो गया, अब डाउन ट्रेंड कब होगा? तीन के बाद, मतलब इतना बड़ा गैप है. दीज आर कॉल्ड वाइड लाइंस, राइट? एंड दीज आर नैरो लाइंस, छोटे छोटे लाइंस, छोटे छोटे प्राइसेस से, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, ये प्लॉट कैसे होते हैं, नैरो लाइन कैसे प्लॉट होते हैं? व्हेन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन टू क्लोजिंग प्राइसेस, when there is a very little difference between two closing prices, and when there is a very little difference between two closing prices but number of days are many,
क्योंकि सी यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद ये जो आया इसमें मेरा रिवर्सल क्राइटेरिया मैटिंग नहीं हुआ, तो ये तो पूरा पैटर्न मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद नया हाई लगा लेकिन स्टिल देयर इज अ नैरो लाइन, राइट? सो एवरी लाइन हैज गॉट नंबर ऑफ डेज, कभी कभी इट कैन बी मैनी, इस केस में वो बहुत ज्यादा होंगे, इस केस में एक ही दिन है। सो हाउ डू वी डिफाइन नैरो लाइंस? तो ट्रेडिशनल चार्टिंग सिस्टम हियर फैंस ऑफ एनआर फोर एनआर सेवन, तो दिस इज एनआर फोर। सी बिकॉज व्हाट आई मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज को जितना हो सके ऑब्जेक्टिव करूं। नैरो लाइन दिखने में देयर इज अ नैरो लाइन, बट अगर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो देयर इज अ प्रॉब्लम। हाउ डू वी डिफाइन इट? इफ लाइन इज नैरो, अगर ये रेंज है, ये नैरोएस्ट है अमंग लास्ट फोर, दिस इज योर एनआर फोर लाइन, राइट? सो नाउ दिस इज द अंबुजा सीमेंट चार्ट, आपको शायद वहां से दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक सर्कल ब्लैक स्क्वायर किया, दिस इज द एनआर फोर। अच्छा, दिस इज द एनआर फोर बिकॉज 1 2 3 ये चारों में दिस इज द नैरोएस्ट रेंज, राइट? This is the NR4. This is the NR4. This is the NR4. These are the NR4. So now I can define NR4 also, and narrow range also, right? Same way NR7 also. Yeah, this is the chart to show you कि कितने दिन का line है. मैं आपको confuse नहीं करूँगा. This is Euro USD. मैंने इस पे ओके, नाउ यू हैव अ रिवर्सल पैटर्न। इफ यू हैव अ नैरो लाइन बिफोर रिवर्सल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, राइट? सो बिफोर रिवर्सल इफ देयर इज अ नैरो लाइन, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अ रिवर्सल लेवल्स। नॉर्मली क्या होता है, ये नैरो लाइन शोज यू दी के अब थोड़ा सा एग्जॉशन है, दो क्लोजिंग प्राइसेस में बड़ा डिफरेंस है तो दिस इज द वाइट लाइन। सो बेसिकली length of lines NR4, NR7, W4, W7, right? Wide lines, widest line among last four lines. So this is your, this way you can define length of lines. This provides you objectivity. अब आप एक चीज देखिए, you have four lines pattern जो चार है and length of line. All this is objective. Now what is the possible thing? You can design setups using all this. तो इसमें सब कुछ तो आई वोंट गिव यू रेडीमेड, कुछ चीजें अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी से समझ भी आए, राइट? बट इफ देयर इज अ नैरो लाइन इन अ रिवर्सल पैटर्न, तो उसका चांसेस ज्यादा है कि परफॉर्म उसका जो टारगेट है टास्क है वो आ जाए, राइट? जिसको सिस्टम वगैरह जो ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, दिस इज अ सिंपल थिंग, दिस इज अ स्विंग हाई, यू हैव अ ब्रेकआउट, दिस इज योर स्विंग ब्रेकआउट बाय। ये बाय में जब तक ये स्विंग अब दिस इज माई स्विंग लो, जैसे ही स्विंग लो ब्रेकआउट हो गया देन आई कैन एग्जिट माई बाय। अगेन इफ देयर इज अ स्विंग ब्रेकआउट आई कैन इनिशिएट लॉन्ग एंड आई विल रिमेन लॉन्ग अनलेस अ स्विंग लो इज ब्रोकन, राइट? सो इसमें यह है कि स्विंग हाई हो गया, इफ देयर इज अ ब्रेकआउट यू बाय एंड देन जब तक नया स्विंग लो नहीं ब्रेकआउट होता यू वॉन्ट सेल। दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम यू कैन डिजाइन। सो विथ लाइन ब्रेक चार्ट यू कैन प्लॉट थ्री लाइन ब्रेक चार्ट, सेम वे यू कैन प्लॉट फाइव लाइन ब्रेक चार्ट, सेम वे यू कैन प्लॉट टू लाइन ब्रेक एंड वन लाइन ब्रेक चार्ट। थ्री ऑफ कोर्स इज बेस्ट अमंग ऑल, बट यू आपका कोई भी काम वन लाइन के बिना पूरा नहीं हो सकता।
कॉम्बिनेशन ट्रायंगल टेस्टेड थोरोली टेस्टेड अबाउट 2200 सिस्टम्स राइट सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मेटास्टॉक और एम्ब्रोकर कोडिंग में दिस कोडिंग इट इज देयर एक्चुअली अवेलेबल इट इज देयर सेम एज द नॉर्मल या बट यू नो कोडिंग सेम रहेगी कि उस चार्ट में कैसे हाउ यू इन दैट चार्ट उसमें आई थिंक आप ऑप्शन है चार्ट सेटिंग में थ्री लाइन ब्रेक चार्ट्स का दैट इज देयर बट आप जब प्रैक्टिसिंग करते हो तो यू नीड टू कोड दैट वो मुझे देखना समझ गए हां मैं समझ इट विल बी ओनली अ कैंडलस्टिक और सम के एक्सपोजर सिंगल प्राइस हां आई थिंक वो डाउट है मुझे वो आई एम नॉट श्योर कि उसमें वो थ्री लाइन ब्रेक का वो डेटा देगा या लैंग्वेज करनी पड़ेगी वो लैंग्वेज के लिए इस प्रॉब्लम में फेस जो पॉइंटेड फिगर है ओके तो वहां से ले लेना तो सोच नहीं है थोड़ी एक बार आप देखना अगर हो सके मेडस का ज्ञान को करने का ठीक है दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटेटिंग ओके दिस इज अच्छा आप एक बात समझिए जो भी सिस्टम ट्रेडर या बैक टेस्टिंग जितने लोग करते हैं अगर आपको इस सिस्टम में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मिलता है इट्स अ मतलब ये तो क्लियर कट है देयर इज नो सब्जेक्टिविटी एट ऑल इट्स अ क्लोजिंग प्राइस आपको बाय भी क्लोजिंग यू हैव टू ट्रेड अप 230 इफ यू आर लुकिंग एट डेली प्राइस दैट्स इट नथिंग इन बिटवीन क्लोजिंग प्राइसेस आर प्रॉफिट अगर मैं 1 मिनट का लाइन ब्रेक चार्ट करूं मेरा 1 मिनट के बाद एट द एंड ऑफ 1 मिनट दैट्स इट नथिंग इन बिटवीन इट्स अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एंड डिफाइंड सेटअप दैट्स इट तो इसका तो बैक टेस्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग Very important reference area.
ट्वाइस जब वो वापस टेस्ट होता है फॉर दोज हु आर डूइंग सब्जेक्टिव एनालिसिस. फोर फाइव अल्टरनेट लाइंस आर यूजुअल, सिक्स एट आर वेरी रेयर. दिस इज द केस. तो इसमें मुझे सिर्फ एक क्रॉस ओवर मिलता है व्हेन द स्ट्रेंथ इज देयर.
So if there is a difference, I will always look for shakeouts, rounding bottom, rounding top. It's a trend identification. Okay. Relative strength. Anybody knows relative strength? Ratio chart. If I am plotting bank nifty upon nifty, तो bank nifty upon nifty का एक ratio है. अगर मैं एवरी डे का रेशियो लेके उसको कनेक्ट करूं, इट विल बिकम अ रेशियो चार्ट, राइट? इट इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट. अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स है, मतलब इफ आई एम सेइंग मैं अगर लू बैंक निफ्टी अपॉन निफ्टी, तो आई एम लुकिंग एट बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी. इफ माई रेशियो इज गोइंग अप, देन बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. इफ रेशियो इज कमिंग डाउन, देन बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी. द सेम रेशियो आई कैन प्लॉट इन लाइन ग्राफ चार्ट आल्सो. This is gold upon S&P 500. So if ratio is going up, then gold is outperforming S&P 500 and otherwise. So that ratio, if my this is a series of bullish line, which is saying this is the outperformance, this is the underperformance. And same way, this is my favorite healthy breadth. Number of अगर मैं आज 50 stock ले लूँ Nifty के, number of stocks which has got 50 bullish lines in Nifty, which has got bullish lines. अगर मैंने 50 में से 40 stock में bullish line है, मतलब 40 trend का trend already up है, so then I plot this line. अब तो this is the overbought zone and this is the oversold zone. 50 में से 40 ऊपर है, 80% is my number. Market is sort of overbought. You had posted it? Yeah. Zero page. Yeah, I posted it in zero. Zero. Last time. Yes. I said it is zero. Zero का मतलब क्या है? कि बस all are in downtrend. Limit है ना? Now current status, let me tell you, it is below 10. Limit है? Then I must look at some positive setups, positive gain number and all other techniques, right? I am looking for a positive line. That's it and this is probably अभी, but मैंने last time इसमें T&F लिया था. No two things can be such compatible. I always look the combination of two. अभी यहाँ पे बहुत लोगों को point and figure मालूम नहीं होगा, so I will not take this much. But this is there. So basically this is the way. थोड़ा सा इसको conclude करूँगा मैं. अच्छा, charts are always right. How many times you say this? It's not true. एक ही चार्ट में हम लोग यहाँ पे सबको ओपिनियन लेता हो, देर विल बी नॉट वन दिस थिंग स्टैंड. चार्ट कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ना. सो इट्स नॉट दैट वे. एंड लास्ट दिस थिंग, दिस मैन एट द एज ऑफ 93 एवरी टाइम 3 घंटे लेते हैं प्रैक्टिस, एंड देन ही सेड नाउ आई एम नोटिसिंग सम इंप्रूवमेंट. So the message is, we all knowledge लेना बहुत अच्छी बात है, but practice is the most important thing. Knowing everything and practicing nothing will take us nowhere. It is practice that is important. ये दो दिन के session में से एक भी चीज ऐसी लगे ना जो आपको जो समझ आई, तो task लीजिए एक हफ्ते में उसके 500 chart देखने हैं उसी चीज को, and then you'll see कि क्या आपका उसमें चीज़ है. Practice is the most important thing. Your software will have that facility. Three line break chart or line break chart. Three line break. Any beta stock, any broker, whichever you use. Maybe he has a proprietary.